सो हेलो एवरीबडी, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आप सबके क्या हाल चाल है? तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अगली वीडियो तक ड्रिल वो कर लूँगा, क्या कहते हैं उसको, अरेंज। तो मैंने ड्रिल मशीन अरेंज कर ली, हैंगर भी ले आए, हैंगर तो मतलब क्या लास्ट वीडियो में ले ही आया था मैं। तो अभी क्या सीन है कि ड्रिल करनी है इस वॉल पे, इस पे यहाँ पे लगाऊंगा मैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो इतने पे लगाएंगे, वो हाइट मैं देख लूंगा कहाँ पे लगाएंगे। और सीन ऐसा है, ये हमारी ड्रिल, ये पेंट और ये हमारे हैंगर्स। तो अब इससे पहला काम ये रहेगा कि हैंगर को थोड़ा थोड़ा ऊपर बेंड करना है, जैसे कि मैंने एक किया था शायद, हाँ जैसे कि ये वाला है, ये वाला दिख रहा होगा, मैंने हल्का सा फोकस ले लिया, दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा लाइट का इशू है ना। तो ये वाला देख रहे होगा मैंने हल्का सा ऊपर बेंड कर रखा है, तो ऐसे ही इन चारों को ऊपर बेंड करेंगे। ये रहा ब्लैक पेंट मेरे पास रखा था, तो पेंट मारेंगे, ठीक है। और जब तक पेंट सूखेगा हम ड्रिल से दीवार पे छेद कर लेंगे, निशान बनाएंगे कहाँ कहाँ पे छेद करने हैं। तो फिर चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और दिखाता हूँ आगे कैसे मैं दीवार पे छेद कर रहा हूँ, उनको बेंड करते हैं, दीवार पे इनको हैंग करते हैं, तो कैसा रहेगा सब कुछ। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो भाई, जैसे हमारे ये एंगल्स हैं, आई होप अच्छे से फोकस में आ रहा होगा, आ रहा होगा ना फोकस में, ठीक है। तो देख रहे हो मैंने हल्का सा ऊपर बेंड कर रखा है, तो इसको बेंड करने का तरीका है, यहाँ से पकड़ो और ये देख लेना कि ये कहाँ किस एंगल पे, क्योंकि ज्यादा इधर जो स्लोप है ना, अगर कोई ऐसा एंगल बना रहा है तो यहाँ से ज्यादा नहीं होगा, तो हमें इसका मिड पॉइंट पे तो यहाँ से फोल्ड करना पड़ेगा। तो ऐसे अच्छे दोनों तरफ ये जो होल वाली साइड है यहाँ पर अच्छे से आप यहाँ पे पुश करिए, और इस तरफ से ना ऐसे अच्छे से ऊपर की तरफ बेंड करना है। देखो दिख रहा होगा कैसे बेंड हो रहा है, तो ये हमें इस तरह बेंड करने हैं, एक्चुअली में चारों बेंड करने हैं। तो मैं पहले पेंट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं पेंट कर दूं और बाय चांस में बेंड कर रहा हूं, उसके बाद कहीं से पेंट चिप ऑफ होए तो दोबारा पेंट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको बेंड करूंगा, उसके बाद मैं इसको पेंट करूंगा, ठीक है। तो देख रहे होगे इतना एंगल हो गया, बट इतने से मेरे ख्याल से काम चलेगा नहीं, हेलमेट अच्छे से रुकेगा नहीं इसके ऊपर। तो मैं इसको जरा सा कोशिश करता हूं, थोड़ा इधर से अगर और आगे से मोटी साइड से बेंड हो जाए, तो अगर हो जाएगा तो भाई बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, नहीं तो खैर काम तो इससे भी चल ही रहा है हमारा, तो वहां से तो हुआ नहीं यार। तो कोई नहीं, जो हमारा ये एंगल है हम इसी से काम चला लेंगे थोड़ा सा, और अब एंगल परफेक्ट है। तो ये देख लेना कुछ ऐसा एंगल बन जाए, क्योंकि इतना उसको सपोर्ट चाहिए हेलमेट को टंगने के बाद कि हाँ भाई वो इस पे अपना पूरा रिलाय कर पाए, ठीक है। तो मैं इसको इतना मोड़ रहा हूँ, कोई नहीं, अगर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की जरूरत होगी तो वो एंड में दोबारा कर लेंगे, वो तो भाई हैंग होने के बाद भी होकर ही जा सकती है थोड़ी बहुत। तो ये पहला हो गया है, झटपट बाकी भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो दूसरा हो गया, सबको एक जैसा करने की जरूरत नहीं है, हो जाए कोई ज्यादा भी हो सकता है, कोई कम भी बैंड हो सकता है। तो ये हल्के फुल्के रिट्रैक्ट तुम कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो ये तीसरे वाला हमारा, ये भी हो गया, ठीक है। अब चौथा और आखिरी वाला, तो मेरे पास चार हेलमेट है इसलिए मैं चार लाया, अगर तुम्हारे पास ज्यादा हो तो भाई तुम ज्यादा भी यूज कर सकते हो, तुम पूरी वॉल भी भर सकते हो अपनी, और भाई एक दो हो तो फिर तो तुम मेरे एक दो भी हैंग कर सकते हो, चीज तो सबके लिए सही है ये बड़ी, ठीक है। तो ये हम बना रहे हैं जुगाड़ से, ये चार एंगल मैं ले गया था मात्र 120-130 रुपए में, ठीक है। अभी देखते हैं इतना अच्छे रहते हैं ये, अगर ये चीज पास हुई तो भाई बहुत बढ़िया है, सस्ते में बढ़िया जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। अभी आ गया स्प्रे पेंट का काम, चारों को स्प्रे पेंट करता हूँ। तो भाई मेरे पास नीचे ये मेरा था अखबार, न्यूज़पेपर नहीं था क्योंकि एक्चुअली मेरे घर में न्यूज़पेपर आता नहीं है, अकेला रहता हूँ तो न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं है, तो आजकल की नई जनरेशन तुम्हें पता है कैसी है। तो ये मैंने मेरा एक फूड डब्बा पड़ा था, तो ये अपना स्प्रे कैन और ये अपना एंगल। तो स्प्रे कैन को यूज़ करने का क्या नाम है, बड़ा ही सिंपल सा रूल रहता है कि आपको थोड़ी सी दूर से और एक फर्म स्प्रे करना होता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई मेरी स्प्रेइंग एबिलिटी कितनी अच्छी निकलती है। तो भाई देख लो, ये एक साइड है, दूसरी साइड से भी करना है, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा। अब यार थोड़ा सा पंगा हो गया ना, एक तो एक बारी में करा जा सकता है, अब इसको नीचे से कैसे करूंगा। तो एक काम करते हैं, इसको देता हूँ सूखने के लिए रख इस साइड, और बाकी तीनों को भी एक काम करते हैं स्प्रे कर लेते हैं एक साथ। ये रहे हमारे बाकी तीनों, कैसे ऐसे रखा ना इसको, इनको भी एक काम करते हैं एक ही बारी में स्प्रे कर लेते हैं एक साइड से, तब ये एक साइड से सूखेगा तो फिर हम दूसरी साइड कर लेंगे दूसरी बारी में। तो अभी के लिए सबको रखो ऐसे, चलो बाकी सब पे भी करते हैं। तो भाई थोड़ा कॉन्स्टेंट स्प्रे का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है।
हाँ तो भाई अपने चारों हो गए हैं पेंट। अब इनको सूखने देते हैं, जब ये सूख जाएंगे तो इनको पलट के पीछे की साइड ही पेंट कर देंगे ताकि दोनों साइड प्रॉपर पेंट हो जाए हमारी, ठीक है। तो जब तक ये सूखते हैं मैं वेट करता हूँ, इनको सूखने के बाद अगली साइड दिखाते हैं। तो एल्टिंग मैजिक के साथ इनको सूख कर आते ही सीधा आपको मिलता हूँ। 1 2 3 हाँ तो भाई वेलकम है। उस तरफ से पूरा सूख गए थे, अभी इस तरफ की बारी है। पहन लेते हैं, ढक्कन निकालते हैं और चलो एक और इवेंट स्प्रेड के लिए रेडी हो जाओ गाइस। हाँ हमेशा जब भी पेंट करो उससे पहले पूरी शेक कर लेना चाहिए इसको। मैं ही जी से डर रहा था। अब इनको एक एक करके साइड करके पेंट करना पड़ेगा यार। भाई अब इसको होल्ड कैसे करें यहाँ पे यार, तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा ना। हाँ तो भाई अभी ट्राई करते हैं, अभी सिंगल में सेट किया है इनको। इसको टेढ़ा कर, इसको टेढ़ा करेगा अभी, स्प्रे मत करना, नहीं लगता। और मेरे से भी नहीं लग रहा था। लो भाई रेडी। अब जरा इनको भी सूखने देते हैं जब तक ये सूखता है। एक और मैजिक स्नैप, 1 2 3 हाँ तो भाई ये गए बिल्कुल एक तरह से प्रॉपर सूख। देखो मैं पकड़ ही पा रहा हूँ, एकदम प्रॉपर सूखे हैं और काफी सही आया है आउटपुट। भाई तुम क्लोज से देखोगे तो हल्के हल्के व्हाइट है, जैसे कि यहाँ पे कहीं व्हाइट दिख रहा है, पर क्लोज से देखने पे ज्यादा दिख रहा है, दूर से इतना दिखता नहीं। और भाई इस चीज पे कोई इतना ध्यान देने वाला है भी नहीं, सो हम इतने से काम चला लेंगे, कोई ज्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है मेरे को। तो बस अभी उठाते हैं और ऐसे दीवार पे लगाना है इसको, तो ये कुछ ऐसा लग जाएगा। अब देखता हूँ इसकी हाइट कितना ऊपर लगाऊंगा कितना नीचे लगाऊंगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे बाकी चार लग जाएंगे, तो एक बार ये देखता हूँ मैं जरा। पहले मैं जरा गेट की लेंथ देख लेता हूँ कि गेट कहाँ तक खुल रहा है पूरा यहाँ पे, क्योंकि इधर बालकनी में गेट है और इधर भी गेट है जैसे कि, तो इधर से इधर गेट है, तो इससे कम से कम भी इतनी दूर रखना पड़ेगा कि हेलमेट पे टच ना हो, गेट पे जैसे हेलमेट टच ना हो। ऑलमोस्ट एक एंगल तो यहाँ लगाऊंगा, क्योंकि इतना डिफरेंस आएगा कि हेलमेट मेरे हाथ से ज्यादा छोटा होगा भाई, तो ताकि हेलमेट यहाँ तक आए, एक हेलमेट यहाँ पे पूरा हो जाए, दूसरा यहाँ के आसपास लगाएंगे, तीसरा वहां और उधर। तो मैं एक बार जरा मेजर्स कर लेता हूं, ठीक है, उसके बाद मिलते हैं। हाँ, तो ये हमारा हेलमेट रह गया, अब जरा मेजर कर लेते हैं मेरे दीवार पे कितना क्या आता है। तो मैंने मार्क्स कर लिए हैं वहां पे, अब प्लस पेन है और मैं एक हैंड दिखा दूंगा ताकि मैं दीवार पे मार्किंग कर पाऊं। तो इसे दीवार पे तुम मार्किंग कर सकते हो, तो मार्किंग करने का बेस्ट तरीका तुम इसको ऐसे दीवार पे लगाओ और इसके अंदर से अपना पेन या मार्कर जो भी वो एक बार घुमा लो, सबसे बेस्ट तरीका ये। हाँ तो भाई मार्किंग मैंने कर ली, अभी जरा मैं वो ले आता हूँ ड्रिल बिट्स। पहली बात आई एम सॉरी, ड्रिल बिट्स नहीं, ये है स्क्रूज, बॉक्स लेके आया हूँ पूरा, और ये पैकेट प्लास्टिक के पता नहीं क्या बोलते हैं, पर ये जब हम दीवार में छेद करते हैं उसके बाद ये दीवार के अंदर डाले जाते हैं ताकि ये स्क्रूज इसके अंदर टाइट हो सके। तो अभी करते हैं दीवार में छेद और करते हैं आगे पूरा काम चालू। सो ड्रिल हमारी रेडी हो गई, चलो अभी जरा छेद कर लेते हैं। हाँ तो भाई 3 छेद हो गए हैं हमारे पहले वाले हैंगर के लिए और मैं 3 ही गिट्टियां ले रहा हूँ। हाँ देसी वासन गिट्टी बोलते हैं। ओके प्रॉपरली चला गया, ये भी प्रॉपरली चला गया, 3 हमारे लग गए वो। और जरा स्क्रू का पैकेट का रखा मैंने, 13 स्क्रू का पैकेट, 3 हम स्क्रू लेंगे, स्क्रू देख सकते हो। हाँ तो भाई पेचकस मेरा आ गया और पहला हैंगर टांगने की बारी आ गई है। पहला लग गया, अब बाकी भी छेद करे जाए जरा, दूसरे वाले की बारी। हाँ तो ये मेरे पास एक मल्टी टूल है जिसमें एक छोटा हैमर है, तो इसकी मदद से मैं उन प्लास्टिक वालों को प्रॉपर ठोक के अंदर कर दूंगा। रेडी है पूरा, अब अगले छेद होगी भाई। एक और सलाह, अगर तुम खुद से कर रहे हो तो मैं पहले बार ड्रिलिंग नहीं करी है, तो कभी भी दीवार में छेद करने वाला इसको ड्रिल बिट को हाथ मत लगाना, ये बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, ये जरूरी सलाह तुम लोगों के लिए अगर कोई खुद से कर रहा है तो। तो चलो जरा मैं झटपट ये भी कर लेता। एंगर गए हमारे सारे लग, अभी दिखाता मैं तुम्हें। चलो भाई हमारे एंगर लग गए सारे, देख लो। एकदम स्टडी आइटम लग रहा है मेरे को तो, पूरे सही है। हेलमेट टंग जाने चाहिए, हेलमेट का इतना वेट ज्यादा नहीं होता। तो एक आ गया, तो अभी इनको हैंग तो कर दिया मैंने, तुम थोड़ा सिनेमेटिक शॉट लो कैसा लग रहा है यहाँ से ये सब।
हाँ तो मैंने इनको हैंग कर दिया, थोड़े पसीने आ गए क्योंकि मैंने फैन नहीं चला रहा, क्योंकि फैन चलाता तो दीवार में जो डस्ट निकल रही थी वो सारी मेरे ऊपर भी उड़ सकती थी फैन की वजह से। ठीक है, थोड़े पसीने आ गए, कोई नहीं, और फैन से थोड़ी बहुत आवाज भी जाती है, वो वॉइस क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती। ये माउंट जो है ये बेहद ही अच्छे मुझे लगे हैं, जितना भी हेलमेट थोड़े आगे को माउंट आगे को निकल के आ रहे हैं मैं उन सबको ठीक कर लूंगा, जरा सी उसमें एंगल्स में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जरा सी, वो मैं कर दूंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है मेरे को। बट ऑल ओवर ये कि उन हैंगरों ने हेलमेट्स का वेट अच्छे से हैंडल कर लिया है, कोई भी हैंडल हैंगर बाहर नहीं निकला है, फिर किसी तरह से टेढ़ा नहीं हुआ, तो अभी कुछ नहीं है। जो है वो थोड़ा बहुत ये कि उनका एंगल थोड़ा एडजस्ट करना है, वो मैं खुद से कर दूंगा, अभी मुझे थोड़ी देर दो, उनका एंगल एडजस्ट करके मिलता हूँ आप लोगों से, फिर दिखाता हूँ परफेक्ट कितना अच्छा लग रहा है, कितना इजीली वो हैंग हो गए। ठीक है, हाँ तो भाई आ गए हैं वापस, और माउंट्स की चीज़ें ऐसी कि कुछ जो पहले हिलने वाला इशू आ रहा है जैसे कि बहुत ढीला था, अब वो ढीला नहीं रहा है, अब ये प्रॉपरली देख सकते हो तुम, दीवार को पक्के रखे हुए हैं अच्छे से, देखो ये वाला बिल्कुल चिपक गया, बिल्कुल चिपक गया। मैंने इसके ऊपर ग्लव्स लगा दिए, मैंने अपनी जैकेट यहीं हैंग कर लिया, तो मैं दिखाता हूँ अब ये हुआ कैसे है। तो इस वाले हेलमेट को जरा बाहर निकाल लेते हैं, अभी तो मैं कुछ अलग सी शेप दिख रही होगी, पहले ये एंगल कुछ ऐसे था, यहाँ पे ऐसे था, अलग सी शेप बन गई है। तो शेप का मैं रीजन बता देता हूँ, जो वो एंगल ऐसा था उससे हेलमेट को जो पीछे नेक वाला एरिया होता ना, जो प्रॉपरली ये वाला एरिया है जो हमारे हेलमेट का, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या किया कि मैंने इस एंगल को थोड़ा सा अपर फोर्स करके इसको अंदर की तरफ बेंड कर दिया यहाँ से, ताकि ये हेलमेट में पीछे इस एरिया में स्टिक कर जाए और हेलमेट इसके ऊपर ऐसे वजन दे दे अपना और यहाँ पे टिक जाए नीचे से। इसके ऊपर मैंने लगाया ये मेरा थोड़ा बबल रैप पड़ा था, तो मैंने बबल रैप इसके चारों तरफ लपेटा, मतलब चारों तरफ से घुमाया और उसके ऊपर टेप लगा दिया ताकि ये जगह थोड़ी सॉफ्ट रहे, ताकि अंदर के हेलमेट की जो हमारी कुशनिंग होती है वो खराब ना हो। तो इन सब के साथ ही मैंने बिल्कुल वही किया है, देख लो भाई कितना सस्ता जुगाड़ है, बबल रैप कितना किसी घर पे, बबल रैप नहीं है तो भाई कुछ ना कोई पॉलिथीन वगैरह तुम्हारे घर पे होगी, टेप भी पड़ी होगी। और ये क्लैंप मेरे को पड़े थे मात्र कितने रुपए के, 120-130 रुपए के चार क्लैंप पड़े थे, ये वाले जो हमारे चार थे, और हर एक क्लैंप में 3 स्क्रू लगे हैं मेरे, और स्क्रू की कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं होती है, एक क्या नाम है जो हमारी प्लास्टिक की जो इसके अंदर दीवार के अंदर जाती है गिट्टी, देसी लोकल भाषा में गिट्टी बोलते हैं, वो 20 रुपए का पैकेट आता है, उसमें बहुत सारी होती है, और स्क्रू भी आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। तो ये कुछ भी एक्सपेंसिव ये लगा लो, मेरे को 150 रुपए में ये सारे हैंगर्स पड़ गए, इजी 150 रुपए में हैंगर्स वॉल पे टंगे हैं इस वक्त मेरे लिए, तो अभी ये आसान भी है मेरे लिए, अब हेलमेट हिल भी नहीं रहे हैं और इधर उधर कहीं रखने का इशू भी नहीं आएगा मेरे को हेलमेट्स का। हाँ तो भाई ये था हमारी हेलमेट हैंगर्स की वीडियो, पिछली वाली में मैं हेलमेट हैंगर्स ले आया था, इस वाली में हमने लगा दिया है, और चिंता मत करना भाई स्टेयरिंग व्हील की वीडियो जल्दी आने वाली है, अभी रिकॉर्डिंग करी नहीं एक्चुअली, तो इसीलिए अनबॉक्सिंग भी नहीं, मैंने यूज भी नहीं किया स्टेयरिंग व्हील अभी तक, पर कोई बात नहीं है मैं जल्दी यूज करने वाला हूँ, एक दो दिन में मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा, जब तक वीडियो आएगी तब तक आई थिंक उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी होगी, मैं भी एडिट भी कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब और वीडियो करना लाइक, और वीडियो करो शेयर भाई, अगर तुम्हें किसी और को भी दिखाना है कि तुम्हारे फ्रेंड्स के पास ज्यादा कोई बाइक राइड्स करता हो, या फिर तुम्हारे घर में हेलमेट 2-3 हेलमेट्स हो, 2-3 टू व्हीलर्स हो, बंदे अलग अलग लेके जाते हो, उनके साथ भी शेयर करो ताकि वो भी अपने हेलमेट्स वगैरह जैकेट्स वगैरह को ऑर्गेनाइज कर पाए इजिली, ताकि वो चलते टाइम इजिली उठा ले, घर में ऐसे इधर कहीं हेलमेट्स वगैरह ना रखे हो, ये बहुत अच्छी चीज है, घर में हेलमेट इधर रखा होता तो काफी डैमेज भी आ सकता है, हेलमेट गिर भी सकता है और मिसप्लेस भी हो जाता है कई बार बंदा रख के भूल जाए कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा, तो ये बहुत अच्छी चीज है, मैं प्रेफर करूंगा और अच्छा भी लगता है थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।